हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे हेलो एरीन। तो वैसे आप जानते हो, जब बेंजीन वलय पर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे हम हेलो एरीन कहते हैं। जैसे बेंजीन पर मैं जोड़ूं यहाँ Cl तो बोलूँगा क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार बेंजीन पर अगर I जुड़ा हो तो बोलूँगा आयोडोबेंजीन। इस प्रकार से ये सारे के सारे हेलो एरीन हैं। तो हेलो एरीन क्या होते हैं? जब एरोमेटिक बेंजीन वलय पर कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, एरोमेटिक बेंजीन वलय पर जब कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसे हेलो एरीन कहा जाता है। तो हेलो एरीन बनाने की कुछ विधियां हैं, तो वो बनाने की विधियां हम यहाँ देखते हैं। विधियां कौन कौन सी है बनाने वाली? सबसे पहले आप क्या करोगे, जो बेंजीन है बेंजीन के क्लोरीनीकरण से बनाइएगा। बेंजीन के क्लोरीनीकरण से आप बना सकते हो हेलो एरीन को। तो क्लोरीनीकरण से बन जाएगी। कैसे? आप बेंजीन ले लीजिए और बेंजीन लेकर के और उसमें आप क्लोरीन डाल दीजिए। लेकिन याद रखना, यहां आपको उत्प्रेरक के रूप में AlCl3 डालना है। तो इससे क्या होगा, यहां बेंजीन पर H परमाणु लगे होते हैं इन कोनों पर कार्बन के साथ, तो किसी एक कोने से एक H हट जाएगा एक Cl के साथ और एक Cl वहां आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां यूं लिख देता हूं मैं, जैसे यहां से मैंने एक एच हटा दिया वहां हेलोजन आ गया, एक हटा हुआ एच यहां से एक हेलोजन के साथ बाहर हो गया, तो इस प्रकार से यूं हो जाएगा। तो ये क्लोरीनीकरण से हुआ। इसी प्रकार बेंजीन के ब्रोमीनीकरण से आप बना सकते हो। बेंजीन का जब आप ब्रोमीनीकरण करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, Br2 जोड़ देना, और Br2 जोड़ोगे तो मैं यहां इस प्रकार से यू लिख देता हूं। जैसे ये बेंजीन और आप इसका करवा रहे हो ब्रोमीनीकरण, तो Br2। लेकिन एक बात, Br2 यानी ब्रोमीन के साथ आपको याद रखने वाली बात है कि हमेशा SbCl5 लिया जाता है। जब बेंजीन का ब्रोमीनीकरण करवाते हैं तो अभिक्रियाओं में अक्सर SbCl5 लिया जाता है, याद रखना उत्प्रेरक के रूप में। तो अब क्या होगा कि जो ब्रोमोबेंजीन है वो तो यहां बन जाएगी और प्लस में HBr मुक्त हो जाएगा। आप यहां Br2 ले रहे हो तो Br यानी HBr बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार एक बात और आप याद रखना, अगर आप फ्लोरीनीकरण करवाओ तो भी हो जाएगा, लेकिन फ्लोरीनीकरण करवाते नहीं है क्योंकि F की विद्युतीयता सर्वाधिक होती है इस वजह से, और यहां जो बनने वाला यौगिक है तो यहां F लग जाएगा, तो F और यहां जो कार्बन है उसके बीच में बंध में ध्रुवण उत्पन्न हो जाएगा, बंध ध्रुवीय हो जाएगा, जिससे फ्लोरीनीकरण करवाते नहीं है। तो इस प्रकार से ये बनाने की जो विधि है वो बेंजीन के क्लोरीनीकरण और बेंजीन के ब्रोमीनीकरण वाली पूरी हुई। अब हेलो एरीन बनाने की अगली विधि टोल्यूइन के क्लोरीनीकरण से। तो टोल्यूइन का आप क्लोरीनीकरण करवाओगे तो इससे भी हेलो एरीन प्राप्त होगी। ये बेंजीन पर CH3 कहीं एक लिखा हो तो वो टोल्यूइन होती है, और उसका क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो Cl2। लेकिन याद रखना, टोल्यूइन का क्लोरीनीकरण हमेशा फेरस क्लोराइड नहीं बल्कि फेरिक क्लोराइड FeCl3 की उपस्थिति में करवाया जाता है। तो क्या बनता है? एक तो बनता है ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन और एक बनता है पैरा क्लोरो टोल्यूइन। कैसे? देखिए यहां पर यह बेंजीन है और बेंजीन पर एक CH3 लगा देता हूं तो बन गई टोल्यूइन, और यहां इस समूह पर ये CH3 है, इस समूह की ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ऑर्थो कहलाती है। तो यहां किसी एक कंडीशन पर जैसे मैं यहां Cl लगा देता हूं तो इसे क्या बोलूंगा, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। ये ऑर्थो कंडीशन पर है तो ओ लिखा जाता है ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, ये बना हुआ यौगिक है ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। और एक और बनता है प्लस में जिसे हम बोलते हैं पैरा क्लोरो टोल्यूइन, जिसे
इसके सामने वाली इस पोजीशन पर ये पैरा होती है, तो यहां सीएल लग जाएगा, तो इसे बोलूंगा पैरा क्लोरो टोल्यूइन। तो यहां ये याद रखना 50-50% में ये दोनों उत्पाद बनते हैं। संतुलित करने हेतु अभिक्रियाओं में यहां दो लगा दिया जाता है, तो कैसे लिखा जाता है कि जब टोल्यूइन का क्लोरीनीकरण एफिशियल थ्री की उपस्थिति में करवाया जाता है तो 50-50% मात्राओं के रूप में ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और पैराक्लोरोटोल्यूइन प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार से आपके हेलोएरीन ही है। अब हमारे सिलेबस में बनाने की इन विधियां के अलावा और बेंजीन का सामान्य बेंजीन का क्लोरीनीकरण है उसकी क्रिया विधि है, तो सामान्य बेंजीन के क्लोरीनीकरण की क्रिया विधि देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप AlCl3 है उसको चुनिए और इसमें क्लोरीन प्रवाहित कीजिए और इसकी सहायता से क्लोरीनियम आयन का निर्माण कर लीजिए। क्लोरीनियम आयन यानी एक Cl यहां से टूटकर यहां आ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा तो बन जाएगा AlCl4- वाला, और यहां प्लस में एक Cl बच गया, वो आपके धनावेशित रूप में इस प्रकार हो जाएगा, तो इसे बोलूंगा मैं क्लोरीनियम आयन। धनावेशित भाग के पीछे ईएम बोला जाता है, क्लोरीनियम जैसे आप बोलते हो अमोनियम, उसी प्रकार क्लोरीनियम आयन है ये क्लोरीनियम आयन अब क्रिया विधि में काम में आएगा। मैं इसे एक नंबर पद बोल देता हूं, एक नंबर पद में जो आपके उत्प्रेरक के रूप में एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसमें क्लोरीन प्रवाहित की जाती है और क्लोरीन प्रवाहित करके हम क्लोरीनियम आयन प्राप्त कर लेते हैं, जो कि इसकी क्रिया विधि में काम आता है। अब दूसरे पद में आप क्या करोगे, आप यहां बेंजीन ले लीजिए। बेंजीन को मैं इस प्रकार से H बाहर निकाल कर लिख देता हूं, हालांकि बेंजीन के इस सारे कार्बन पर H लगे, लेकिन मैंने यहां एक H बाहर निकाल कर इसको इस प्रकार से लिख दिया और इसमें ये बॉन्ड लगा देता हूं, और इसमें मैं क्लोरीनियम जो आयन है वो प्रवाहित करता हूं। तो क्लोरीनियम आयन प्रवाहित करने से क्या होगा, इस कार्बन पर जहां H जुड़ा है वहीं पर ये क्लोरीनियम आयन ऐड हो जाएगा। तो मैं याद रखना तीन एक जैसे भाग लिखूंगा जिन्हें बोलूंगा मैं अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं। तो देखिए पहले बेंजीन यहां तुम्हें समझाने के लिए इस प्रकार से यूं लिख देता हूं, तीन बेंजीन मैं इस प्रकार से यूं लिख देता हूं, फिर इसे आप गौर से समझिएगा और इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में इसकी क्रियाविधि अक्सर पूछी जाती है, क्रियाविधि अक्सर पूछी जाती है। तो अब जैसे ये एच है इस कार्बन पर लगा हुआ, इसी कार्बन पर ये सीएल क्लोरीनियम आयन संयोग करेगा आकर के, तो मैं यूं दर्शा देता हूं, यहां इस भाग में एच लिख दूं, इस भाग में सीएल, इसी प्रकार एक साथ इकट्ठे कर देता हूं, इन पर भी एच और सीएल, इस पर भी एच और इस वाले पर सीएल, ये संयोग करते जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, क्लोरीनियम आयन जब इस पर योग कर रहा है तो फिर धनावेशित भाग इसमें, धनावेशित भाग यहां आ जाएगा। अनुनाद के हिसाब से हमें निशान लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसमें हम ये बता देते हैं कि अनुनाद किस स्थिति पर है, तो उसे प्लस और माइनस दर्शाते हैं। तो जैसे क्लोरीनियम आयन है तो मैं यहां प्लस लगा लेता हूं, क्योंकि प्लस वाला भाग मैंने काम में लिया क्लोरीनियम, तो प्लस यहां लगा देता हूं, तो अब यहां बॉन्ड नहीं आ सकते, क्योंकि यहां आने पर इस कार्बन के बॉन्ड मतलब ज्यादा हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक तो आप बॉन्ड यहां लगा दीजिए और यहां लगा दीजिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये प्लस यहां से नया करके यहां आ जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव एक छोड़कर एक फिर आते हैं ये, यानी एक बंद बीच में, यानी एक कार्बन बोलूं, एक कार्बन बीच में छोड़ दिया जाता है उसके बाद आते हैं, तो यहां से अब यहां आ जाएगा, तो यहां प्लस लगा दूंगा, धनावेश भाग यहां कर दूंगा, तो बंद यहां इस प्रकार से यूं आ जाएंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये वाला प्लस यहां नया करके यहां चला जाएगा, तो यहां धनावेशित भाग यहां दिखा दूंगा, तो अब बॉन्ड कहां लगेंगे, बॉन्ड यहां और यहां लगेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से ये तीनों की तीनों अनुनादी संरचनाएं बन गई, अनुनादी संरचनाएं। अब अनुनादी संरचनाओं से अंत में जाकर के और एक बनता है अनुनाद संकर, जिसे हम अनुनादी संरचना भी कहते हैं, प्रमुख अनुनादी संरचना भी कहते हैं, अनुनाद संकर भी कहते हैं। अनुनाद संकर को मैं यहां नीचे बना देता हूं, आप देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से
यहां जो एच है उसे लिख देता हूं और यहां जो सीएल है उसे लिख देता हूं और बीच में धनावेशित भाग दिखा करके और इस प्रकार से यूं अनुनाद दिखा दिया जाता है, जिसे कहा जाता है अनुनादी संकर। अब नेक्स्ट पद में क्या होता है कि जो आपने दूसरे पद में अनुनादी संकर प्राप्त किया है उस अनुनादी संकर को आप यहां तीसरे पद में लिख लीजिए। तीसरे पद में लिखने के बाद और फिर उसमें आप AlCl4 जो है वो मिला दीजिए। जैसे आपने अनुनादी संकर यहां इस प्रकार से यूं लिखा और इसमें आप AlCl4 माइनस वाला हिस्सा है वो मिला दीजिए। वो मिलाओगे तो संयोग करने पर क्या होगा, देखिए इस साइड में यहां एक तो इस प्रकार से यूं जो बेंजीन है उस पर Cl लग करके क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। अकेला यहां इस कार्बन पर H बाहर निकल जाएगा और Cl यहां आ जाएगा। और फिर उसके बाद में इसमें बंध भी लगा दूंगा और देखिए एक यहां से H इस Cl के साथ इसमें से बाहर हो जाएगा तो एक HCl हो जाएगा और एक प्लस में AlCl3 बाहर निकल जाएगा। और इस प्रकार से इसमें अपने बंद वाली संरचना है उसको मैं यूं इस प्रकार से कर देता हूं। अब ये जो इसमें AlCl3 जो बना है उत्प्रेरक के रूप में ये वापस पुनः प्रथम पद में जाएगा यहां और क्लोरीनीकरण होगा, क्लोरीनियम आयन बनाएगा, क्लोरीनियम आयन फिर बेंजीन पर संयोग करेगा, अनुनादी संरचनाएं बनाएगा, अनुनादी संरचनाओं से अनुनादी संकर बनेगा, अनुनादी संकर में आप पुनः AlCl4 माइनस जब डालोगे तो यहां क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी, HCl मुक्त होगा और AlCl3 पुनः मुक्त हो जाएगा जो नेक्स्ट अभिक्रिया में फिर आपके काम आ जाएगा। और इस प्रकार से ये क्लोरीनीकरण है जो ये क्रियाविधि है वो निरंतर चलती रहेगी।